अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्रार और आप देख रहे हैं टेक्नो अब्रार यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट क्रिएट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्लेलिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप लोग मिसाल ले लें, आप किसी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, वेबसाइट पर आपने 10 ट्यूटोरियल्स बनाए या 5 बना लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइव पार्ट, ठीक है, तो 5 हो गए, ठीक है, 5 आपने वीडियोस बना ली। अब देखें 5 वीडियोस बनाने का मकसद क्या है कि आप 5 वीडियो तो आपने बना ली, अगर बीच में आप कुछ और वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग ढूंढते हैं तो सजेस्टेड और रिकमेंडेड में दूसरी वीडियो चली जाती है। तो मैं आप लोगों को ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों ने प्लेलिस्ट बनानी है और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, यानी कि जैसे कि आप कोई भी ट्यूटोरियल है, जैसे व्हाट्सएप ट्रिक्स हैं तो आप व्हाट्सएप ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारी वीडियोज़ व्हाट्सएप की होंगी। दूसरी प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें इंस्टाग्राम की ट्रिक्स हो गई या हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, उस पर 5 ट्यूटोरियल हो गए, 5 वीडियोज़ आपने बना दी, वो आपने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी। तो ये होता है जब आपको कोई विजिट करता है प्लेलिस्ट का, तो अगर मिसाल ले मैं चाहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो आप एग्जांपल 5 उसमें पार्ट्स में बताया हुआ होता है। तो जब प्लेलिस्ट बनी होगी तो जस्ट प्लेलिस्ट पर बंदा जाता है और प्लेलिस्ट से 5 वीडियोज़ देख के वो हम सारी चीज़ सीख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से देखें, ये जैसे मैं चैनल पर आया हूँ तो आप लोगों ने अपने चैनल पे आना है। चैनल पे किस तरह आना है, जैसे आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, आपके चैनल का लोगो होता है, जैसे मेरा आरटी का आ रहा है तो आपके चैनल का लोगो होता है ऊपर आपके कॉर्नर पे, यूट्यूब पे फर्स्ट पे, तो आपने इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है यूर चैनल का, आपने यूर चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं आपने अपने वीडियोस में आना है। यहाँ पे आपकी जो भी वीडियोस होती हैं, आपने जस्ट वीडियोस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। तो जैसा देख सकते हैं मेरी यहाँ पे सारी वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब मिसाल ले रहे, देखिए मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइकड वीडियोज़ हैं, ये मतलब एक ये ऑटो प्लेलिस्ट होती है, ठीक है। तो ये जब हम किसी की वीडियोस लाइक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वो हो जाती है, इसका कोई इशू नहीं। ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मिक्सअप के नाम से, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 34 वीडियोज़ इसमें ऐड हैं। तो मैं आप लोगों को दूसरी प्लेलिस्ट बता देता हूँ कि दूसरी प्लेलिस्ट मतलब यानी किस तरह बना सकते हैं। तो यूर चैनल में हम आए तो जस्ट आपने वीडियोज़ में आना है, और आपने वीडियोज़ में आने के बाद आपने जिस वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में ऐड करना है, या एक ही वीडियो ले लें, जैसे मैं व्हाट्सएप की ले लेता हूँ, ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो के सामने 3 डॉट का ऑप्शन है, ये आपने उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेव टू प्लेलिस्ट, जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेव टू प्लेलिस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि वॉच लेटर करना चाहे मिक्सअप, आपने अपनी किसी प्लेलिस्ट में, आपने ऊपर जो ऑप्शन है न्यू प्लेलिस्ट का, आपने न्यू प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा प्लेलिस्ट का टाइटल क्या देना चाह रहे हैं, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप ट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, अगर वेबसाइट के बारे में बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेबसाइट के ट्यूटोरियल्स हैं, या और इसमें आपके ऑप्शन होता है प्राइवेट, ये वाला ऑप्शन जो नीचे प्राइवेसी का है, आपने प्राइवेट का ऑप्शन होता है तो आपने इसको पब्लिक करना होता है, क्योंकि पब्लिक से ही आपको जो होता है मतलब व्यूज़ आते हैं, वो टाइम होता है, अगर आप अनलिस्टेड करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपने पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप एक प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें प्लेलिस्ट में एक वीडियो आ चुकी है यहाँ पे, और दूसरी वीडियो भी इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट दोबारा आए हम वीडियोस में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम कोई एक और वीडियो ले लेंगे, जैसे हाउ टू वेरीफाई, इस पर 3 डॉट पर क्लिक किया, यही सेम मेथड आपने यहाँ पर भी करना होता है, सेव टू प्लेलिस्ट पर क्लिक किया, और आप देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन समझने का होता है कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मुझे दिए जा रहे हैं, यानी कि मेरी प्लेलिस्ट 3 बनी हुई है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्लेलिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी 2 तो मेरी वॉच लेटर प्राइवेट है ना, तो 2 है, तो मैं व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स पर सेलेक्ट किया और डन किया, ठीक है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट देखें, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप इस तरह वीडियोस ऐड कर सकते हैं। तीसरी भी मैं आप लोगों को एक और ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरह। तो आप सारा मेथड यहीं पे इस तरह कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक किया, शेयर, सॉरी 3 डॉट पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने प्लेलिस्ट अपनी सेलेक्ट की, डन पे क्लिक किया, तो ये वीडियोज़ अब देखें प्लेलिस्ट में हमारी आ चुकी हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, तो ये देखें 3 वीडियोज़, अब यहाँ जितनी आप मर्ज़ी इसमें वीडियोज़ ऐड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये आपको जो आइकॉन सा नज़र आ रहा है ये शेयर के सामने, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी होती है कि आपने इस वीडियो में क्या मतलब, यानी कि इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं क्या बताया। तो मैंने जो बताया तो वही मतलब अपना इसमें टाइटल दे दूँगा, व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स 2020, ठीक है।
तो आप लोगों ने इस तरह अपना टाइटल वही देना होता है और डिस्क्रिप्शन जो आपकी वीडियो में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप प्लेलिस्ट में कुछ और डिस्क्रिप्शन लिख दें और जब आपके कोई चैनल पर विजिट करें तो वो चीज़ ही उनको ना मिले। तो इस तरह आप लोगों ने अपना टाइटल लिख लिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख ली, डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइटल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन लिख दी, पब्लिक कर दिया इसको और ऊपर आपको ऑप्शन अब मिल रहा है ये जो एरो का ऑप्शन कॉर्नर पर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी, एडिट हो चुकी है पूरी, देख सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स का आ गया, नीचे देखिए हमारी डिस्क्रिप्शन शो हो गई, यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट शो हो गई। अच्छा, अब इसमें मैं एक मैन्युअली चीज़ समझा दूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इसमें से वीडियो ऊपर नीचे करनी है, आपने क्या करना है, ये ऊपर आपको दो लाइन्स नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे वीडियोस की नज़र आ रही हैं प्लेलिस्ट में आने के बाद, आपने उसको पकड़ के यूँ क्लिक करके किसी भी वीडियो को ऊपर नीचे, ये लेफ़्ट साइड पे जो है आप इसको यहाँ पे क्लिक करके दो लाइन्स पे किसी भी वीडियो को ऊपर नीचे प्लेलिस्ट में मतलब आप खुद अपने हिसाब से जो है सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की आपको वीडियो कैसी लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो यही मैं कहना चाहता कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।